ग्वालियर जिले के घाटी गांव मॉडल स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा को अपनी शिकायत बेटी की पेटी में डालना एक सुखद अनुभव रहा। शिकायती आवेदन मिलते ही पुलिस ने बस कंडक्टर को अपनी ही शैली में सबक सिखाया। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और स्कूल जाने वाली छात्रा को परेशान करने वाले बस कंडक्टर को सार्वजनिक रूप से सबक सिखाया। घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल ने छात्रा को परेशान करने वाले बस कंडक्टर को सपेरों से उसके कान के पास बीन बजवाकर भविष्य में गलती ना करने की शपथ दिलाई। विधिक जागरूकता शिविर में हमारे घाटी गांव मॉडल स्कूल में माननीय जज महोदय आए हुए थे। वहां बच्ची ने एक सवाल किया कि हम अपनी पीड़ा को या कोई शिकायत कैसे ऊपर स्तर तक पहुंचाए। हम लोगों ने बताया कि आप टोल फ्री नंबर डायल 100-1098-1090 के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे सुरक्षित आपके स्कूल में बेटी की पेटी लगी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो बेटी की पेटी को आज खोला थाना प्रभारी के साथ जाकर तो उसमें एक आवेदन मिला जिसमें लिखा था कि बस कंडक्टर उन्हें परेशान करता है। और जैसे ही बस आई हम लोग पुलिस पूरी मौके पर पहुंच गई थी। बस कंडक्टर को थाने पर ला रहे थे तभी नागरिकों ने भी उसको सबक सिखाने के लिए वहां पर कुछ जो लोग उपस्थित थे सवेरे थे उन लोगों ने बीन बजाकर एक उसको संदेश दिया कि यदि आप गलत नियत रखेंगे किसी को परेशान करेंगे तो पहले तो पुलिस आपको जेल भेजेगी और उसके बाद समाज भी आपको सबक सिखाएगा।